पास स्कूल आए हैं उन सबका हम यहाँ तहसील ऑफिस कम्प्लेक्स में वेलकम करते हैं, बिलखसूस SDM साहब का और जितने भी हमारे गेस्ट प्रिंसिपल हजरात यहाँ पर हमारे बीच तशरीफ फरमा है, हम उन सबका वेलकम करते हैं। स्वीप के मुताबिक मैं बताता चलूं कि स्वीप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो ऑल ओवर इंडिया जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम 2009 से शुरू हुआ, गर्जो गायब ये थी कि ये देखा गया कि वोटर को अपनी वोट की कीमत का पता नहीं है, उसको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। तो उसी कड़ी को लेकर आज जो है मेंडर के अंदर ये इन कलाबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग तो इसमें मुंसलिक हैं ही, तमाम और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और तमाम बच्चों ने आज इस रैली की ताकत से लोगों को ये मैसेज दिया है कि वो बढ़ चढ़ कर डेमोक्रेसी के अंदर हिस्सा लें। और डेमोक्रेसी तभी मजबूत हो सकती है जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का मतलब है एक नुमाइंदा जो चुनकर हम भेजेंगे वो ऐसा नुमाइंदा हो जो हमारी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करे, लोगों की जो परेशानियां हैं उसका अजाला करे,
और यही तभी मुमकिन है जब लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो इन रैलीज का, इन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि हमारा वोटर जो है वो अवेयर हो। ये हमारे इसमें दो किस्म के वोटर हैं, एक वो जो फ्रेश वोटर हैं जिन्होंने 18 साल की एज क्रॉस की है, और ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी चलाया जा रहा है, स्कूलों के अंदर ईएलसी क्लब बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वोटर है, जो लाइकली टू भी हमारा वोटर है आने वाले दिनों में, उसको भी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की गर्जो गायद का पता हो। घर से ही वो अपने आप को इनरोल कर सकता है एज ए इलेक्टोरल, तो वो ये भी बच्चों को अवेयर करना है हमने, जो हमारे ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वोटर हैं। तो इसमें शुक्रगुजार हैं हम डिप्टी सीओ साहब के, प्रिंसिपल जहाँ के, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के, बीएलओस के और बच्चों के भी, के जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वैसे तो ये इलेक्शन का फेवर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, ये हमारी परेशानी, हमारी जो है ये जिम्मेवारी भी बनती है कि हम लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर इस जो है पर्व के अंदर हिस्सा लें और जो है जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें। हर बशर के पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और 25 जनवरी चुके हमारी इलेक्शन की अलेट जो है 25 मई सारी डेट जो है डेफर हुई थी, तो 25 मई को तमाम लोग जो है बिना मजबूत मिलत जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। थैंक यू।